और शायद हमें ना हिच हाइक करनी चाहिए, हिच हाइक कर रहे हैं, शी इज एन एक्सपर्ट इन हिच हाइक राइट। और पिछले 10 मिनट से हमें कोई लिफ्ट नहीं मिल रही, तो देखते हैं। यू शुड डू दिस। और ये रेस्ट कर रही है अभी। हाँ, 1800। सो व्हाट यू थिंक, वी कैन डू दैट। रास्ते देखो कैसे हैं यहाँ पे। स्वागत है भाई आप सबका एक और नए व्लॉग के अंदर। और आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे। अभी मैं अपने होस्टल कैमरून हाइलैंड्स में, जो कि मलेशिया में एक हिल स्टेशन काइंड ऑफ बड़ा स्टेशन है, आप समझ लो पहाड़ों पे है, तो बस अभी उठा था थोड़ी देर पहले। और आज हम जा रहे हैं एक जंगल में, और मतलब काफ़ी बड़ी हाइक होने वाली है आज। तो आज के दिन की करते हैं शुरुआत। दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ भाई यहाँ पे चाय से। ये चाय भाई पीनी पड़ती क्योंकि हमारी इंडियन स्टाइल टी यहाँ पे मिलती नहीं है, तो हाँ इस चाय से ठीक है, अच्छा खासा काम अपना चल जाता है। तो आज मैं जाने वाला हूँ जंगल में, और मेरे साथ ये मोहतरमा जाने वाली है। यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, वाई वाई, यू टायर्ड? आई थिंक यू शुड गो फॉर स्लीप। तो निकल पड़े हैं भाई हम दोनों फॉरेस्ट में जाने के लिए। जिस फॉरेस्ट में आज हम जा रहे हैं ना, उसका नाम है मोसी फॉरेस्ट, और कहते हैं कि बहुत बढ़िया है ट्रैकिंग और हाइकिंग करने के लिए। कोशिश करेंगे कि वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, आज पूरा दिन वहीं पे बिताएं, और आगे का आगे देखेंगे भाई फॉरेस्ट में क्या होता है। पहले तो कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ मैं साथ में, क्योंकि यार जंगल अगर आप जा रहे हो ना तो कुछ खाने पीने का साथ में रख लो, बहुत काम आता है ना। तो कुछ खाने पीने का मैं सोच रहा हूँ, यहाँ आगे स्टोर है उस स्टोर से ले लिया जाए। तो भाई 2 महीने बन ले लिए यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या ले लेता हूँ। 2-3 चीज़ें ले लेते हैं यार हम लोग, ताकि फिर बाद में हमारे काम आए। तो ये मौसम है सुबह सुबह के 8 बजे का, और भाई कितना मतलब यूरोपियन वाइब आ रही है यहाँ पे, ये देखो। और शायद हमें ना हिच हाइक करनी चाहिए, हिच हाइक कर रहे हैं, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन हिच हाइक राइट। तो देखते भाई हिच हाइक कर लेते हैं। तो भाई पहली हमारी हिच हाइक हमें मिल चुकी है मलेशिया के अंदर आज के दिन। तो पहली हिचहाइक लेके भाई हम आ चुके हैं अपने आधे रास्ते तक, क्योंकि हमारी जगह से लगभग 20 किलोमीटर था ये, नहीं 20 नहीं यार 15 के आसपास था ये मोसी फॉरेस्ट। एक लिफ्ट हमको मिल गई थी, उसने हमें आधे रास्ते तक छोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं दूसरी लिफ्ट, और पिछले 10 मिनट से हमें कोई लिफ्ट नहीं मिल रही, तो देखते हैं। तो देख रहे हैं दूसरी लिफ्ट अगर जल्दी मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी देख रहे हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं किसी को रोकने की। और यू शुड डू दिस। तो भाई एक और हिचहाइक मिल गई हमें, ये देखो भाई साहब। अब जा रहे हैं हम सीधा जंगल की तरफ हिचहाइक करते करते, बड़ा मजा आ रहा है भाई। क्या मौसम हो रखा है यहाँ मलेशिया में, और लोग बहुत फ्रेंडली है। अगली लिफ्ट हमें थोड़ी सी लेट मिली, हमने टाउन को क्रॉस किया, उसके बाद हमें लिफ्ट मिल गई आराम से। सो हाँ बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम स्लीपिंग, चलो भाई मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद आगे की तरफ, और यहाँ से चलते हैं हम लोग फॉरेस्ट। तो भाई पहुँच गए हैं। इट इज। तो भाई पहुंच गए हम लोग फॉरेस्ट के आसपास, अभी बस हमें 20 मिनट की हाइक करनी है ऊपर की तरफ, और उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट में एंटर कर जाएंगे। 2 लिफ्ट ली हमने, हिचहाइक किया 2 बार, और भाई बहुत बढ़िया रहा। अब हम लोग हैं मिडल ऑफ नोवेयर, बहुत ही कम लोग अभी तक यहाँ पे, कुछ गाड़ियां जरूर आ रही है 1-2, बट हाँ ये देखो भाई थोड़ी देर में बस जंगल शुरू हो जाएगा प्रॉपर, पीछे भी कोई नहीं है, बस ये है। और चलते हैं आगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मोसी फॉरेस्ट के अंदर, और यहाँ से भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ से फॉरेस्ट जो है शुरू हो जाता है, यहाँ से हम अपनी हाइक और ट्रैक शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ना चीज़ें दिखाता हूँ, यहाँ की गाड़ियाँ मतलब यहाँ की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा कलरफुल्स होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे कि ये गाड़ी देखो भाई एकदम पिंक है, ये गाड़ी एकदम ब्लू है, ये गाड़ी भाई एकदम ऑरेंज है, और वो वाली गाड़ी एकदम ब्लैक है। तो इनके कलर्स देखो यार, मतलब डिफेंडर है पुराने वाली। तो हम लोग आ गए अभी थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलेगा ना, वैसे नज़ारे मैंने भाई कहीं से नहीं देखे।
मतलब इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो देखो भाई सामने ना ये छोटे छोटे गांव हैं, एंड कितने प्यारे लग रहे हैं, बादल है ना एकदम बराबर लग रहे हैं। देख लो भाई क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ से। तो भाई मज़ा आ रहा है यहाँ पे, चलते हैं वापस नीचे की तरफ, मैं आपको ना और यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। पीछे जो गांव है ना वो देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा और आगे, और यहाँ से मैं आपको ना थोड़ा और व्यू दिखाऊंगा। बट जरा एक बार ये व्यू देखो भाई, सामने देखो पहाड़, पहाड़ों के साथ साथ चलने वाले बादल और छोटे छोटे गांव, भाई कितना सुंदर लग रहा है। सो अभी हम ना यहाँ पहुंचे थे और हमें इधर जाने का मन था, लेकिन यहाँ पे कुछ वार्निंग्स लिखी है, डू नॉट एंटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वरना तो हम चले जाते यहाँ पे। तो वो हाइक हमने खत्म कर लिए, यहाँ पे लिखा भी है डू नॉट एंटर एंड ऑथराइज्ड पर्सनल्स ओनली, डू नॉट एंटर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो पता नहीं भाई इधर क्या है, मे बी इधर रियल जंगल हो सकता है जहाँ पर लाइक बिना गाइड और बिना गाड़ी के जाना पॉसिबल ना हो, पर ठीक है कोई बात नहीं है। हमें हम जा रहे हैं वापस ऊपर की तरफ और देख रहे हैं अगर कोई और ट्रैक हमें मिल जाए ना तो वो ट्रैक करेंगे। सो हाँ जी, आर यू फीलिंग टायर्ड? रियली? लेट्स गो टू द वाटरफॉल। या हाँ हमें वाटरफॉल्स जाना है भाई, मेरे को भी याद आया वाटरफॉल्स में मेरा बहुत मन है जाके नहाने का, पर वाटरफॉल्स जो है रियली। सो चलते हैं और हिच हाइकिंग करते हैं फिर से और चलते हैं दूसरे वाटरफॉल की तरफ और देखते हैं भाई दूसरा वाटरफॉल कैसा होता है। इट्स सो बिग। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अभी नीचे की तरफ और ऊपर का जो फॉरेस्ट था ना, जितना मतलब ऊपर का हाइक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए। तो भाई हम लोग यहाँ बैठ के आराम से पानी वानी पिया, कुछ खाया पिया और ये रेस्ट कर रही है अभी। हाँ 1800? Yeah. So what do you think? We can do that? Yeah. Or it's 1 hour and then we have to go back 1 hour. It's on you, like. We can go a little bit up this way. Yes, like if you wanna go, I can join you. No worries. तो यहाँ से ना पूरे माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे और अभी हम ना जा रहे हैं नीचे गाड़ी में। तो हाँ काफ़ी प्यारा लग रहा है यार, मलेशिया में ना नेचुरल ब्यूटी तो बहुत अच्छी है यार, ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे। लेट्स गो, यू वांट टू कम फ्रॉम दिस वे और ओके। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। This way? Yeah. Let's go? Okay. Bye bye. Take care. Bye. Thank you. Bye. तो लो भाई पहुंच गए हम लोग वॉटरफॉल की तरफ, अब बस थोड़ा सा वॉक और करना है वॉटरफॉल की तरफ। भाई हिचहाइकिंग यार मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन इसने मेरे को हिचहाइकिंग सिखा दी है पूरी, कैसे हिचहाइकिंग करते हैं यार। भाई एक्सपर्ट है ये बंदी, मतलब कैसे भी हिचहाइकिंग कर लेगी, लिफ्ट मांग लेगी। आई थिंक आई शुड बी लाइक यू, फियरलेस। That just talk like that. भाई बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। Yes. गुस्त्रीत गुस्त्रीत। तो वो देखो भाई सफेद रंग का मोर है जो कि मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं सफेद रंग का मोर पहली बार देख रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे बहुत सारे मोर है यार, सफेद रंग का तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो चलते जा रहे हैं भाई, हम दोनों जा रहे हैं अकेले जंगल में और वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे, पानी भी मतलब बहुत तेज चल रहा है तो बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। और चलते जा रहे हैं हम दोनों अकेले और रास्ता दिखाऊँ आपको, मतलब रास्ता भी थोड़ा थोड़ा ही है, आपको थोड़ा संभल के ही जाना पड़ेगा इन रास्तों पे, अदरवाइज प्रॉब्लम कर सकता है ये। बाकी थोड़ा पाथ भी ऐसी बात नहीं है। तो चले जा रहे हैं हम दोनों अकेले भाई जंगल में और पूरी तरह जंगली जंगल है भाई, इतना प्यारा लग रहा है। तो देखते हैं, बाकी मोहतरमा भी मेरे पीछे रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि ये भी वीडियोस वगैरह बनाती है, बस वो गोप्रो में रिकॉर्ड कर रही है और मैं अपने फोन में। I was stuck in the tree. Really? What should we do? Ah, there's the other waterfall. Okay. So there's one way. How far is it? We can go here and this way. And then we can maybe come back from that. It's 9 minutes. Let's go. But there's no other way. We have to go all this way back. There's no way to run into the falls. You can do that if you want. Yeah. What should we do? Yeah, let's go to this waterfall. At least we can come there. Yes, and we can like do a hike as well. अरे देखो इसको आने में दिक्कत हो रही है वापस। I'm really, really bad in hiking.
इन हाइक्स. व्हाई डिडंट बाय एनी लाइक स्पोर्ट्स शूज? व्हाई यू गो फॉर द स्नीकर्स? लेट्स गो. Really? Yeah. I also carry just one while. I have different slippers. So I also have just one while traveling because I don't want that much stuff to carry. It's really, really hard. Like, yeah. If you're traveling just for 2 or 3 months, bhai, raaste dekho kaise hain yahan pe. Which one? Wanna go? Now we have to go, like we cross all the half the way. Yep. I wanna capture you while you just slip. Don't get hurt, that's okay. I never have video when I'm falling down. I have one, I'll show you. Yes. अभी हम जंगल में जिस वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं ना उसका रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ भाई. आपको ऐसे पकड़ पकड़ के जाना होगा. नीचे देखो भाई, कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है भाई. ऐसे आपको जाना पड़ेगा नीचे. तो भाई हम थक गए हैं. हाउ मेनी? 5 मिनट्स. सो हाउ मेनी मीटर्स इज इट? 200. यू सेड 200 अपसाइड. इट्स 200. टॉकिंग टू जर्मन हियर नाउ. शिट भाई, ऐसे रास्ता जाना पड़ेगा. सो यू वांट टू गो 200? हां, बट जस्ट 100 मीटर्स डाउन. लेट्स गो. चलना ही पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं है. बट बी केयरफुल है. या लेट्स गो. यू कैन डू दैट. यू कैन डू दैट. नो, इट्स नॉट गोना ब्रेक. लाइक सो फाइनली शी मेड इट. Downside, otherwise it was so difficult. अपन जा रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ. You good? Yeah, we have a new plan. And there's another street somewhere, like 25 minutes walking. So we go to the waterfall, we walk on the street, and we try to hitchhike. But the hitchhiking is 1 hour driving, and normally it's just 10 minutes from here. Woo! But yeah, let's do it. So we have situations. तो भाई चलते हैं. रास्ते भाई बहुत खतरनाक हो रहे हैं यहाँ पे आने के लिए. देखते हैं भाई कैसे हम लोग नीचे जा सकते हैं. अभी भी बहुत बहुत लंबा रास्ता बाकी है. और भाई रास्ते ना यहाँ पे थोड़े खतरनाक है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वरना आप गिर भी सकते हो. देख लो आप कैसे रास्ते हैं. पहुँच गए भाई हम लोग लगभग. बस अभी तो थोड़ा सा और जाना है. और ये लो भाई, उफ शिट, गिरता गिरता बचा हूँ. हाँ, वाटरफॉल के पास पहुँच गए भाई. 2 घंटे लगे कम से कम आने में. अब बी केयरफुल. 2 घंटे लगे कम से कम पहुंचने में, लेकिन पहुंच गए भाई फाइनली. तो ये भाई वाटरफॉल यहाँ पे. ऊपर से कहीं पानी है, स्मेल कर रहा है थोड़ा सा ये बैड, लेकिन बढ़िया है भाई, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. चलते हैं कहीं नीचे, देखते हैं कहाँ हम लोग बैठ सकते हैं. वी रीच, ये वी मेड इट. दो घंटे की हाइक लगी इतने खतरनाक रास्ते में, जंगल में. और मैं और सिर्फ ये, हम दो लोग पूरे जंगल को क्रॉस करते हुए वाटरफॉल तक आए हैं. यार मजा आ गया भाई. क्या भाई, क्या जगह थी. मैं और मेरी फ्रेंड जी, हम दोनों ने भाई कर दिखाया पूरा वाटरफॉल. भाई पहुंच गए बहुत दूर से आ रहे भाई, पूरा रास्ता घूम के, जंगल से घूम के आ रहे हैं. आपने रास्ते में देखा ही होगा. और अभी हमें इसी रास्ते पे वापस जाना भी है. मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज कैसी आ रही होगी, लेकिन भाई बहुत मजा आ रहा है. पीछे वाटरफॉल्स है, मैं ना यहाँ बैठ जाता हूँ. तो मेरे जस्ट पीछे वाटरफॉल्स है. अभी मैं ना इन रास्तों से होके आया हूँ. मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन भाई बहुत मजा आ रहा है. तो भाई यहाँ पे हमें और एक और ब्रिटिश लेडी ने हमें ज्वाइन किया अभी. तो देख लो भाई कितना ज्यादा मतलब मजेदार है. तो भाई ऐसी होती है कुछ यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ. पहले तो ये लड़की गोप्रो ऊपर लेके गई, फिर इंस्टा 360 डिग्री ऊपर लेके गई, फिर गिम्बल लेके गई, फोन मैं संभाल रहा हूँ, इसका बैग यहाँ पड़ा है, और मैडम अब नीचे आ रही है. तो भाई ये होती है कॉन्टेंट क्रिएशन की जिंदगी. आपको बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ सकता है. तो चलो भाई अब निकलने का वक्त आ चुका है. हम लोगों ने पीछे रिकॉर्ड कर लिया, फोटोज वगैरह ले ली.
अपना कंटेंट शूट कर लिया। वाटरफॉल मैंने आपको उम्मीद है पूरा दिखा दिया है, क्योंकि भाई ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, वाटरफॉल जैसा ही होता है। लेकिन हाँ, वहाँ उस पत्थर पे ना व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, तो रिकॉर्ड कर लिया। अब वक्त हो चुका वापस जाने का। हम इस सेम रास्ते से वापस नहीं जाने वाले, हम जाने वाले हैं दूसरे रास्ते से। ऐसे ना रास्ता बहुत मुश्किल है, आपको ऐसे ना रस्सी पकड़ के आना पड़ेगा, और वो मोहतरमा अभी तक ऊपर ही है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। और ये देखो भाई, पीछे भी जाना भी मेरे को, तो जो एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई ये, मतलब ये देखो मैं अभी खड़ा हूँ, हालांकि अभी तो मैं एकदम एंड पे आ गया हूँ, लेकिन उससे पहले वहाँ पे ना एकदम खड़ी चढ़ाई थी, तो आपको बहुत संभल के आना पड़ेगा। मेरे जूते देखो, बहुत संभल के आना पड़ेगा आपको। रियली? मतलब आपको ना बहुत संभल के आना पड़ेगा। मेरे जूते देखो डायरेक्ट ऐसे नीचे जा रहे हैं। सो मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ, सो दैट मेरी जो फ्रेंड है वो आ पाए। इट्स गुड, ओके, ट्राई टू गेट द ट्री एंड ऑल्सो दिस रोप सो यू कैन फाइंड ईजी। होल्ड दिस रोप, या इट्स गुड, आई एम गोइंग डाउन राइट, गुड, या यू हैव टू कम विद बैक, रियली Someone like you and me, maybe? Yes. भाई देखो एकदम ना खड़ी चढ़ाई है भाई ये, एकदम ऊपर तक जा रही है, और आपको रस्सी से नीचे आना पड़ेगा। कुछ रास्ते तो ऐसे जहाँ से नीचे आने का रास्ते नहीं है, आपको रस्सी से ही होके आना पड़ेगा। बट ये बात अच्छी है, यहाँ के हाइकर्स ने पहले यहाँ पे रस्सी बांध दी। सो यू नो वॉट, आई एम रियली स्केयर्ड विद दिस वन, लाइक दिस वन इज इन अ पैंट्स, सो आई थॉट इट्स अ स्नेक। शिट भाई, मेरे को ये ना ये पौधा मेरे पैंट में इधर चला गया, शॉर्ट्स में, तो मुझे लगा भाई सांप अंदर हिल रहा था। आई वॉज रियली स्केयर्ड ऑफ, आई जस्ट केम बैक लाइक विद बैक, ओके। तो भाई हम लोग जंगल से बाहर आ चुके हैं, सामने घर और सड़क दिखाई दे रही है। वी मेड इट, चलो भाई तो साउंड तो चलो भाई, हम लोगों ने कर दिखाया, सामने सड़क आ चुकी है भाई। ये देखो कितनी खुशी हो रही है, यहाँ पे अभी हमें और सामने भाई सड़क आ चुकी है, वो देखो। यस, आई थिंक वी मेड ऑल अक्रॉस द जंगल, राइट? यस, पहुंच गए भाई हम लोग। तो भाई एक और लिफ्ट मिल गई हमको यहाँ पे, और हमने हमारी ट्रैक फिनिश कर ली है जंगल वाली। अब हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल। तो इस गाड़ी में लिफ्ट मिली है, एक सिस्टर उन्होंने लिफ्ट दी है। अब हम जा रहे हैं यहाँ सीधा इंडियन रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए, और फिर चलेंगे सीधा अपने हॉस्टल वापस। आज के लिए भाई बहुत हाइक हो गई, बहुत थक चुके हैं, तो अभी चलते हैं वापस अपने हॉस्टल।